ये ढाबा स्टाइल मटन घी तवा पराठा दाल मखनी। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज का वीडियो एक और फूड मेन्यू होम डिलीवरी, ये है बॉक्स सेट के साइड से। तो फर्स्ट ये बॉक्स में आपको दिखाऊं तो ये है चोकोलावा केक। ये जो पैकेट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर है 3 स्पून्स। इसको ओपन करता हूँ थोड़े टाइम में। दो बॉक्सेस बताता हूँ, एक बॉक्स है अपने पास वो है वेज और ये बॉक्स है नॉन वेज। तो टोटल मैंने टू ऑल इन वन थाली ऑर्डर प्लेस किया हूँ, दिखाता आपको ये ऑर्डर ओपन करके। सो ये वेज मेन्यू है, यहाँ पे आपको नजर आएगा जो ऑर्डर प्लेस है, ओपन करके आपको बताओ। ये है बिग मील ट्रे, इसको मैं साइड पे रखता हूँ। होप सो मेरे आंखें नहीं गिरे ओपन करते टाइम पे। स्मेल वाकई में बढ़िया आ रहा है। राइट साइड पे नजर आ रहा है वो है मुगलाई पनीर। ये दिल्ली छोले, कांदा, ये छोटे छोटे इधर गुलाब जामुन है। ये है मसाला बासमती राइस। लिखा हुआ है क्या ऑर्डर है अपने पास, सो दिस इज मसाला बासमती राइस फुल, दिल्ली छोले, गुलाब जामुन, मुगलाई पनीर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर अपना दिल्ली छोले, ये पनीर सेम स्पून ही डिप कर रहा हूँ आगे। ये पनीर ऑर्डर में आपको अगर ऐसे बताऊँ तो ये पनीर फ्राइड नहीं है, मैं बोला था पहले, होप सो ये गिरे नहीं। इसको इसके अंदर डालते, टेस्ट करते। खाना नॉट बैड, खाना अच्छा है। पनीर का टेस्ट बेटर है। बासमती राइस अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ, थोड़ा सा नज़दीक आने बोलूँगा अपने कैमरा पर्सन को, ताकि मैं अगर बासमती राइस आपको दिखाऊँ तो कांदा वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। पनीर हालांकि फ्राइड नहीं है। जस्ट एक सेकंड, आपको ऐसे एक पनीर निकाल के बताता हूँ। तो ये आप अगर देखोगे तो ये उतना जो डीप फ्राई रहता है वो डीप फ्राइड नहीं है, हालांकि टेस्ट बढ़िया लग रहा है। ये दिल्ली छोले, ये भी बेटर है। गुलाब जामुन के पीसेस आपको बताओ, इतना सही पीस है गुलाब जामुन का। लेट अस टेस्ट, बेहतरीन है। वेज खा के इतना मजा आया, तो अपना नेक्स्ट ऑर्डर तो भाई नॉन वेज है। ढाबा स्टाइल मटन घी तवा पराठा दाल मखनी घी मूंग दाल हलवा। तो उसमें गुलाब जामुन था, इसमें मैंने ऑर्डर प्लेस किया हूँ वो है घी मूंग दाल हलवा। स्वीट्स में बिग मील ट्रे, जो ट्रे मिला था इसको ट्रे नहीं बोल सकते एग्जैक्ट, बट पैकेज जो मिला था इसके अंदर ये स्पून। सो ये ऑर्डर के लिए ये स्पून यूज़ करेंगे, नॉट द होम वाला स्पून। कैमरा पर्सन थोड़ा सा आगे आने के लिए बोलेंगे ताकि ऑर्डर में बढ़िया तरीके से दिखा सको। थ्री पीसेस पराठा का दिया जाता है। ये है अपना मटन थाली, नॉट दैट स्पाइसी बट आप खाने में अच्छा लग रही है। सो दिस इज द प्लेसेस में बोन्स नहीं है कोई भी मटन में, बोनलेस से ग्रेवी में। दिस इज मूंग दाल हलवा, ये दाल मखनी। ये थाली भी बढ़िया है और ये मूंग दाल हलवा फाइनली। दिस थाली इज गुड। जैसे मटन थाली में पराठा है, पराठा भी सॉफ्ट है, ज्यादा ऐसा हार्ड पराठा नहीं है। बनाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है, मजा तो आया खाने में। अब इसके बाद में जो डेजर्ट मिला है, डेजर्ट ओपन करते। सो ये चोकोलावा केक, उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री था बाय द वे, ये गरम है। इसके अंदर दूसरा स्पून डिप कर रहे हैं ताकि मैं खाने वाला जो स्पून है वो डेजर्ट में डिप नहीं करूं। 3 स्पून्स मिले थे टोटल। तो ये अपना चोकला हो गया, गरम है। सो दिस इज द चोकोलावा केक
जो ऑर्डर प्लेस किया है। हालांकि कॉम्बो ऑफर में फ्री था, एक कॉम्बो ऑफर इस ऑर्डर में भी मुझे मिस हुआ। आई नो ये वीडियो में मैं लास्ट वाले में भी मेरा ऑर्डर मिस हुआ था। सो अगेन इस पे जो सॉफ्ट ड्रिंक था पेप्सी का वो मिसिंग है। जोमेटो वाले से बात किया, उनका ये कहना था कि जो डिलीवरी पार्टनर है उनसे बात नहीं हो पा रही है। सो दे इनिशिएटेड रिफंड अगेन, प्रोमो कोड जो है वो मुझे चेक करना होगा, मैसेज में बात हो रहा था उनसे। मुझे तो खाना अच्छा लगा टू बी फ्रैंक। ये कॉम्बो मील मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, जोमेटो की वेबसाइट पे आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन। ये वीडियो आपको पसंद है वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करना। बॉक्स सेट से आपने पास्ट में कोई ऑर्डर प्लेस किया आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, साथ ही में सजेशंस बताइए क्या सजेशन है, उस पर भी काम करेंगे बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।